न्यूमेरिकल्स के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए एक दो बड़े फेमस न्यूमेरिकल है और बहुत आते हैं। आपको क्वेश्चन आएगा कि सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, मान लो यहाँ पे पड़ा हुआ है और अर्थ का रेडियस कैपिटल आर है, मास एम है और ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम है। मैं इसे बहुत ऊपर ले गया, काफ़ी ऊपर ले गया, मतलब इतना ऊपर ले गया कि आप ये लगा लो कि इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी चेंज हो सकती है। ठीक है, अगर मैं छोटी मोटी हाइट पे जाता और आपसे ये पूछता और या क्वेश्चन को चेंज करते हैं, ऐसे बोलते हैं एक ऑब्जेक्ट है स्मॉल एम, मैंने इसे प्रोजेक्ट किया, ऐसे करते हैं, मैंने इसको ऊपर फेंका विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, बताओ इसने कितनी हाइट अटेन की। ये क्वेश्चन है, आपको मैक्सिमम हाइट बतानी है कितनी है, बड़े क्वेश्चन की है वर्क पर एनर्जी में, इधर से हाफ एम वी स्क्वायर उधर से एम जी एच इक्वेट कर दो, नहीं लगा सकती ना, स्मॉल एम जी एच यहाँ लगेगा नहीं, क्यों, हाइट अगर मान लो 1500 किलोमीटर हो गई तो जी तो इतनी देर में चेंज ही हो जाएगा, तो लगाओगे क्या, इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यानी कि स्मॉल जी निकाल लो एक तो पहले, दूसरा एम जी एच का फॉर्मूला नहीं लगाना क्योंकि वो तो एक अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला है, बाइनोमियल के साथ तो अप्रॉक्सीमेशन देता है, एग्जैक्ट पूरा फॉर्मूला लगाना है जो सही रिजल्ट देता है और वो क्या है, माइनस जी एम एम बाय आर। तो क्योंकि ग्रेविटेशनल एनर्जी कंजर्वेटिव इन नेचर है, हमने वर्क पर एनर्जी में किया था, कंजर्वेटिव का मतलब कि जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो इनिशियल और फाइनल पाथ पे डिपेंड, पोजीशन पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, तो एनर्जी कंजर्वेशन एप्लीकेबल है। तो रास्ते में जितना मर्जी जी चेंज हो जाए कोई चक्कर नहीं है, जहां से ये चला ऑब्जेक्ट वहां पे पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, और ये मैक्सिमम पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी का सम क्या रहेगा, सेम। क्लियर है यहां तक? ठीक, समझ में आ रहा है यहां तक? तो इस पॉइंट पे है ना, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी बोलो क्या होगी, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर, यही होगी। मैंने इसको ऊपर फेंकने के लिए काइनेटिक क्या दी, हाफ छोटा एम वी स्क्वायर, अर्थ को थोड़ा फेंका, ऑब्जेक्ट को फेंका, ऑब्जेक्ट का मास क्या है, स्मॉल एम, ये एनर्जी दी। टॉप मोस्ट पॉइंट पर काइनेटिक क्या हो गई, जीरो, और पोटेंशियल क्या हो गई, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। अब रास्ते में कुछ भी चेंज हो जाए फर्क ही नहीं पड़ता, कंजर्वेटिव है तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, तो क्या होगा रिजल्ट, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर प्लस हाफ स्मॉल एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच प्लस जीरो, छोटा एम छोटा एम छोटा एम कैंसल। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में वी गिवन होगा, आपको हाइट निकालनी होगी, कैपिटल जी आपको मालूम है, मास ऑफ अर्थ कभी नहीं गिवन होगा, नहीं गिवन होगा, फिर क्वेश्चन अटक जाएगा। मास ऑफ अर्थ की जगह हमने पहला पहले दिन स्मॉल जी का फॉर्मूला किया था, यही किया था प्लैनेट के लिए, अर्थ के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैपिटल जी एम क्या होगा, स्मॉल जी आर स्क्वायर। तो जहां जहां आपको दिखेगी ये वैल्यू कैपिटल जी एम, वहां पर क्या पुट करेंगे, स्मॉल जी आर स्क्वायर, यहां पे क्या पुट करेंगे, स्मॉल जी आर स्क्वायर। तो आपको इस क्वेश्चन में वेलोसिटी निकालनी होगी, स्मॉल जी 9.8 पता है, कैपिटल आर 6400 किलोमीटर पता है, सॉल्व करके आंसर आएगा। कैलकुलेशन लंबी है, मैं मेथड डिस्कस कर रहा हूं कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। तो कभी भी अब ग्रेविटेशन चैप्टर में जब किसी भी बॉडी को ऊपर फेंकना है तो वो मत लगाना स्मॉल एम जी एच, आंसर नहीं आएगा, ये लगाना, ये है एनर्जी कंजर्वेशन इसमें। तो समझ में आ रहा है? उल्टा भी ट्रू है, क्वेश्चन आएगा एक बॉडी को यहां से ड्रॉप कर दिया एच हाइट से, एच दे रहा है वो आपको, कितनी वेलोसिटी से हिट किया उसने, सेम कॉन्सेप्ट है, चाहे ऊपर फेंको चाहे ऊपर से नीचे फेंको, टोटल एनर्जी का सम तो सेम ही रहेगा। तो जब टॉप मोस्ट पॉइंट से ड्रॉप किया तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो, पोटेंशियल क्या है, माइनस जी एम आर प्लस एच। जब अर्थ की सरफेस के ऊपर गिरी पोटेंशियल ये रही, काइनेटिक ये रही। अब उल्टा इस क्वेश्चन में क्या होगा, एच देगा और वी पूछेगा, फेंकते हुए वी दे रहा है एच पूछेगा, नीचे फेंकते हुए यू जीरो है और वेलोसिटी पूछेगा एच देगा, मतलब वी और एच की गेम है, या तो वी देगा एच पूछ लेगा या एच देगा वी पूछ लेगा, कॉन्सेप्ट यही लगेगा हर केस में। क्लियर है यहां तक?
कैसे लगेगा वो अगले लेक्चर का काम है, इसकी प्रैक्टिस हमने करनी है। जैसे एक आइडिया बताया है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज कैसे करते हैं।